नमस्कार, आज की बड़ी खबर लेकर मैं शेखर त्रिवेदी। यूपी कांग्रेस के नए प्रभारी गुलाम नबी आजाद आज लखनऊ पहुंचे। यहां उन्होंने प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन किया। हालांकि इस मंथन में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री नहीं पहुंचे, जिस पर गुलाम नबी आजाद ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो बैठक में नहीं आ पाए। बैठक के बाद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस को अपनी ताकत बढ़ाने के साथ साथ यूपी में शांति भी बनाए रखनी है। आजाद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश और प्रदेश में धर्म के नाम पर लोगों को बांटने नहीं दिया जाएगा। यूपी में गठबंधन पर उन्होंने कहा कि अभी कांग्रेस का किसी के साथ गठबंधन नहीं है और मेरी प्राथमिकता संगठन को मजबूत करना है। यूपी में प्रियंका गांधी के प्रचार करने पर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि प्रियंका यूपी में काफी समय से काम करती रही हैं और आशा है कि इस बार वो कुछ और समय निकालेंगे। धर्म के नाम की, धर्म की राजनीति और धर्म के नाम पर लोगों का बंटवारा करना सबसे खतरनाक खेल है। ये जैसे कैंसर इंसान को मार देता है, वैसे ही धर्म की राजनीति देश को मार देती है। आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम है कि उन्हें तकलीफ बीच में रहती है, ये पहली दफा नहीं है। स्लिप डिस्क की अभी जब इलेक्शन हुआ था, मैं यहाँ 3 दिन था तो उस दिन भी 1.5 दिन वो आ नहीं पाए उनकी सेहत की वजह से। परसों उनका ये जो आज का कार्यक्रम था, ये उन्हीं की ड्यूटी, उनकी रेख देख में और उनकी तरफ से ही हुआ था। परसों से वो कह रहे थे कि मेरे सख्त तकलीफ है और कल उन्होंने कहा कि मैं तो बिस्तर से उठ नहीं सकता हूं क्योंकि वो स्लिप डिस्क है। हमारी लीडर श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष हैं और वाइस प्रेसिडेंट नेशनल लेवल पे श्री राहुल गांधी जी, और किसी निर्धारित समय पे मिस्टर राहुल गांधी नेशनल प्रेसिडेंट बनेंगे। अब रहा प्रचार का सवाल। प्रियंका जी अधिकतर पिछले 10 सालों से अमेठी में, लोकसभा और विधानसभा में, रायबरेली और अमेठी में काम करती हैं। इस वक्त मांग है हमारे सभी साथियों की कि जरा उन 3 डिस्ट्रिक्टों के बाहर भी कंपेन करें। सीधे रुक करेंगे, अमिता पारुल हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे संवाददाता। अमिता, कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रियंका का नाम लेना एक बात है, लेकिन अगर यूपी कांग्रेस के प्रभारी गुलाम नबी आजाद ये बात कहते हैं कि हम चाहेंगे कि वो और समय निकालें अमेठी और रायबरेली से बाहर भी, हमें आशा है, तो इसके क्या मायने हैं और कितनी दूर तक प्रियंका गांधी इस सफर को करेंगी अगर करना चाहेंगी तो? शेखर, 100 बात की एक बात यही है कि हर बार जब ये डिमांड उठती है, पिछले चुनाव में भी हमने देखा था कि प्रियंका गांधी को और ज्यादा प्रचार के लिए लाने की बात कही गई थी, इस बार भी यही डिमांड उठ रही है। लेकिन जिस तरह से गुलाम नबी आजाद ने अपनी बात रखी और ये कहा कि वो चाहेंगे कि वो थोड़ा और क्षेत्रों में भी जाकर चुनाव प्रचार करें, तो गुलाम नबी आजाद भी ये चाहते हैं क्योंकि कार्यकर्ताओं की तरफ से, नेताओं की तरफ से डिमांड आई है। लेकिन जो आखिरी फैसला है वो खुद प्रियंका गांधी को, या कहें कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी में से इन्हीं लोगों को करना है। तो जब आला कमान पे फैसला छोड़ दिया जाता है तो उसमें कार्यकर्ता या नेताओं की सिर्फ इच्छा ही रह जाती है, यही कह सकते हैं। इच्छा बार बार जताई जाती रही है, अब ये खुद प्रियंका गांधी या जो आला कमान की तरफ से फैसला होगा उसके बाद ही तय हो पाएगा कि आखिर प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली से बाहर जाकर, या जैसे प्रतापगढ़ प्रमोद तिवारी जी की पहले सीट रही है, अब उनकी बेटी वहां से चुनाव जीतती है, वहां के भी कुछ गांव में प्रियंका गांधी कभी कभी जाती रही है, लेकिन यूपी के और जिलों में वो जाएंगी कि नहीं जाएंगी, ये फैसला तो खुद प्रियंका गांधी को या आला कमान की तरफ से किया जाना है। शुक्रिया। क्या वरुण गांधी और मेनका गांधी की कांग्रेस में फिर से एंट्री होगी? ये सवाल तब उठा है जब यूपी कांग्रेस के महासचिव उमेश पंडित ने मांग की है कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल कराया जाए। हालांकि यूपी कांग्रेस के नए प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने इसे उमेश पंडित की निजी राय करार दिया। ये
यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन कांग्रेस अभी अपने लिए सियासी जमीन ही तलाश रही है। यूपी में कांग्रेस को एक ऐसे चेहरे की दरकार है जो उसकी डूबती नैया को पार लगा सके। तो क्या वरुण गांधी यूपी में कांग्रेस के तारणहार बनेंगे? जी हां, सुल्तानपुर से सांसद वरुण गांधी की घर वापसी की मांग कांग्रेस के अंदर से ही उठी है। यूपी कांग्रेस के महासचिव उमेश पंडित का कहना है कि वरुण में कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की क्षमता है, ऐसे में उन्हें कांग्रेस में लाया जाना चाहिए। कहीं हिंदू मुस्लिम का विवाद है तो तब सोचा जाता है कि कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो, तो एक मन की आवाज आई कि भाई परिवार को एक होना चाहिए। यहाँ तो बड़े बड़े मतभेद खत्म हो जाते हैं जब देश खतरे में होता है। आदरणीय राहुल गांधी हमारा जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो उनके बड़े भाई हैं, अपने बड़े भाई के हाथ मजबूत करें और देश को बचा लें। वरुण का रिश्ता नेहरू गांधी खानदान से है, लेकिन पिता संजय गांधी की मौत के बाद उनकी माँ मेनका गांधी ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया था। वरुण गांधी फिलहाल बीजेपी में है और खुद को यूपी में सीएम प्रोजेक्ट कराने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। हालांकि यहां उनकी दाल गलती नहीं दिख रही, ऐसे में कांग्रेस नेता वरुण और राहुल के एक होने की वकालत करने लगे हैं। मेरा मुद्दा यह है कि देश को बचाने के लिए सभी जो लोग हैं अच्छे, उन सबको एक होना चाहिए, तब मुकाबला होगा इन सांप्रदायिक शक्तियों से और उत्तर प्रदेश बचेगा, और उत्तर प्रदेश बचेगा देश बचेगा। देश में स्थिति ठीक नहीं है। एक ओर जहां कांग्रेस में वरुण गांधी का नाम लिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी को आगे करने की रणनीति भी बनाई जा रही है। यूपी कांग्रेस के नए प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने भी इशारों इशारों में इसके संकेत दिए हैं। अरे वो प्रचार तो करती है, कोई नई बात नहीं है। प्रियंका जी रायबरेली भी कैंपेन करती है, मेथी भी कैंपेन करती है। वर्कर्स कहते हैं जब इलेक्शन हो तो हमारे यहाँ भी आए। अब उनको जितना समय मिलेगा रायबरेली को छोड़कर और मेथी को छोड़कर, तो मुझे आशा है वो जरूर बाकी जगह भी कहीं कहीं समय देंगे। यूपी में कांग्रेस पिछले करीब 3 दशक से सत्ता से दूर है, ऐसे में यहाँ कांग्रेस को संजीवनी की जरूरत है। अब बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस को ये संजीवनी कौन देगा, राहुल, प्रियंका या फिर वरुण? लखनऊ से अमिताभ पारुल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।